बाहर से लोग आ रहे अभी, लेकिन काम सारा रुक चुका है मुल्क का। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जी बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल है, स्टॉक मार्केट का बुरा हाल है, डॉलर जो है 182 क्रॉस कर गया जी, महंगाई अभी उरूज पे चली गई जी। अब आप कहते हैं मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, अगर आपको मोहब्बत है तो ये डिलेइंग टैक्टिक क्यों है? जितना चीजें डिले हो रही है उतनी चीजें पाकिस्तान की मईशत की तरफ जो है बर्बादी होती चली जा रही है जी। आपको मुल्क से मोहब्बत नहीं है, आपको भी कुर्सी से मोहब्बत है। अगर आपको मुल्क से मोहब्बत होती आप रिजाइन करते, घर चले जाते या तहरीक अदम एतमाद को पेश होने देते। ये डिलेइंग टैक्टिक्स किस लिए? इससे तो मुल्क अनार्की की तरफ जा रहा है, मजीद मईशत तबाह हो रही है। और ये देखें ये जो चीजें जो होने जा रही हैं अब आइंदा, ऐसा ना हो अल्लाह करे तो बेहतर है, तो जो चीजें एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इमरान साहब वो बहुत ही खतरनाक है मुल्क के लिए। पहली बात तो इन्होंने इस जमहूरियत को जो प्योर डेमोक्रेसी का एक वे है तहरीक अदम एतमाद उसको इन्होंने जहाद करार दे दिया, उन्होंने इसको इस्लाम की और ना इस्लाम की और मुसलमान और गैर मुसलमान की जंग करार दे दिया। ये इंतहाई मजहबी जनूनियत की तरफ उनको लेके जा रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान में मजहबी जनूनियत का क्या हाल है। अब आप उसी नारे से अगर आवाम को बाहर निकाल रहे हैं तो लोग तो निकलेंगे, 10 की जगह 20 लाख निकलेंगे। लोग जब निकल जाएंगे ना तो फिर उनको वापस लाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एक दफा जियाउलग ने निकाला था 79 में जी, 35-40 साल हो गए आज तक लोग वापस नहीं गए। तो फिर अगर आप इस तरह लोगों को बाहर निकालेंगे तो इस तरह फिर 35-40 साल लोग घर में जाएंगे नहीं वापस। फिर दूसरी बात ये भी है कि जब आप एनआरके, वो असल बात ये इमरान खान निकालना चाह रहे हैं, वो मकबूलियत अपनी दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैं अभी भी मेरी इतनी मकबूलियत है कि मेरे देखे, इसलिए डिले किया गया जा रहा है सारी चीजें डिले। ये इंतहाई बेवकूफी की बात है, मकबूलियत है आप इस्तीफा दीजिए उसके बाद आप इलेक्शन में हिस्सा लीजिए राइट। ये कौन सी मकबूलियत को बताने का तरीका है कि जो मेरे साथ है वो जहाद, मगर उनके माइंड में यही चीज है ना कि देखो मेरी इतनी मकबूलियत है मेरे इतने जलसे। उनके माइंड में जो चीज है वो पाकिस्तान की बर्बादी है। अब वो जो रास्ता दिखाना चाह रहे हैं अनार्की का, जब अनार्की होगी तो फिर फौज आएगी, अगर फौज आएगी तो मुल्क पर वो सेंक्शन लगेंगे जो मुल्क ऑलरेडी तबाही के मीशत की तबाही के दाने पर खड़ा है। फौज आ गई तो वो जो सेंक्शन लगेंगे आपके कि आपका मुल्क जो है वो अल्लाह ना करे माशी तौर पर तो दिवालिया होना ही होना है, इसको डिफॉल्ट हो जाएगा जी। अब जब डिफॉल्ट, अब ये देखे ना उनको, वो इनको इस बात का भी कॉन्फिडेंस है कि इनके सामने कौन खड़ा हुआ है इस वक्त वजी आजम की, उसके लिए संभालने के लिए कौन खड़ा हुआ है? शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टू, मौलाना फजल रहमान जी, क्या हो गया इसमें, टहमत आ गई क्या? तो बस वो इसलिए उम्मीद है, पूरे एतमाद है उनको अपने ऊपर जी। शरीफ आ गए, बिलावल भुट्टो आ गए, ये फजलुर रहमान आ गए तो क्यामत हो गई। पाकिस्तान ही नहीं है वो, इंसान नहीं है वो, मतलब इन्होंने अगर करप्शन करी 40 अरब तो एक सिर्फ उसमें खा गए कोविड में, ठीक है, शक्कर में, पेट्रोल में, चीनी में, आटे में, बोल सकते हैं आप भी जी। लोग कोई चीज डिलीवर नहीं करी तो अब उन्होंने करी तो इसमें क्या मतलब, मैं मुझे बताएं कि दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। बात यह कि आप डिलीवर कर नहीं सके 3.5 साल में। अब आपके पर जब प्रॉब्लम आई तो आप जो है मुल्क की आपने उसको दवा पे लगाया हुआ आपने। भाई मेरा सवाल ये है कि डॉलर जो है वो आज 182 पे चला गया, तो किस वजह से? कि आपकी डिलेइंग टैक्टिक्स, क्या डिलेइंग टैक्टिक्स? अगर आपको मुल्क से मोहब्बत है सफा दे जी 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 जी, और आप बोले कि मैं आवाम में आता हूँ, मैं आवाम में जाऊंगा, आवाम जो है लग रहे, आप कह रहे कि नहीं पहले मैं 10 लाख लोग निकालूंगा वो मेरे साथ आएंगे, मैं मुल्क में एनार्की फैलाऊंगा, ये गवर्नमेंट करती है। आप तो सीधा सीधा तहरीक अदम एतमाद है, आप अपने मेंबर लेके आइए 172 असेंबली में, दैट्स इट डन। नहीं मैं पहले आवाम लेके आऊंगा, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि ये जो है मजहब की जंग है जनाब। देखिए असेंबली में मेंबर पूरे करना वो अलग डिफरेंट स्टोरी है, मैदान में क्राउड जमा करना वो दूसरे, बाहर और अंदर का दूसरा मैदान करना जी। देखिए ये जिस तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं ये बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी, जो मईशत तबाह हो रही है ऑलरेडी, किसी चीज पे किसी का जोर कोई फोकस नहीं है, ना समरी पे, ना यानी मईशत पे, ना महंगाई पे, हर कोई इस वक्त लगा हुआ है तहरीक अदम एतमाद पे जी। और एक एक दिन जितना डिले हो रहा है मुल्क की मईशत तबाही 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 की तरफ जा रही है। और जब आप एनआरके फैलाएंगे, आप तसादुम की राह अपनाइए, आप तसादुम फैलाएंगे, आप चाह रहे हैं कि फौज कूदे, आप बार बार आज भी आप कह रहे हैं फौज को जानिबदार नहीं रहना चाहिए और ये और वो, आप फौज को दावा दे रहे हैं, फौज आ गई, मार्शल लगता है मुल्क में, तो मुल्क में जब मार्शल लगेगा पूरी दुनिया आप पे सेंक्शन लगाएगी।
आपके पास वैसे ही मैशत तबाह है, आपने आईएमएफ से वायदे कर रखे हैं, पूरी दुनिया आप पे सैंक्शन लगाई, आप कहाँ खड़े होंगे जी? तो आपको ये सूरत हाल भी देखनी है। और फिर दूसरी तरफ ये भी है कि जरदारी साहब का बयान अगर किसी ने गौर से पढ़ा है तो वो भी पढ़ ले। उन्होंने बोला अगर किसी को अपना शौक पूरा करना है तो आके शौक पूरा कर ले। तो ये तसादुम जो है वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं। अगर मुल्क के लिए इमरान खान कहते हैं कि मुल्क के लिए मैं मुखलिस हूँ, आप इस्तीफा दीजिए या आप असेंबली का इजलास बुलाइए और इतम होने दीजिए, ताकि मुल्क जो है मायशी तबाही जो हो रही है, बर्बादी गैर यकीनी सूरत हाल जो क्रिएट हो रही है उस मुल्क में, ना इन्वेस्टर आ रहा है, ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना कारोबार चल रहा है, मार्केटें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, लोग एक बेहद यकीनी की सूरत हाल है। और एक एक दिन इम्पोर्टेंट होता है मईशत के लिए। ना कोई आप साइन कर रहे हैं, ना कोई चीज के मुहिदे हो रहे हैं, ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, सब हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हैं कि अब होगा क्या, अब होगा क्या। और इसके जिम्मेदार मौजूद है गवर्नमेंट है जी। बहुत शुक्रिया जी। जी जी बोले जी। जी जी बस 45 मिनट के 45 मिनट के 3 ले लिया ट्रेन खा लो तो आपका टाइम पूरा हो जाएगा जी। ये 44 पिछले हाफ एन आवर से बोल रहे हैं क्या काम की एक बात की इन्होंने आके, सेम गॉड डैम थिंग ही रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैं खुदा खुदा करे के माशाल्लाह लगे और कोई सेक्शन नहीं लगता कुछ नहीं। वो पिछले पिछले 50 साल से सरवाइव कर रहा है। अफ्रीका में बहुत सी कंट्रियां ऐसी हैं जो सरवाइव कर रही हैं। एक दफा सफाई तो हो जाएगी ना इनकी। 200 फैमिली है पाकिस्तान में, लेट्स क्लीन दैट गॉडडैम थिंग एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। एंड सारे सारे के सारे सुकून से बैठ जाएंगे। ये जब से बेनजीर का भुट्टो साहब ठीक थे, बेनजीर का हुआ है, पीपुल पार्टी ने आज तक क्या एक काम पाकिस्तान के लिए किया मुझे एक काम बता साल के। दूसरी रही मियां साहब की बात, उन्होंने क्या किया? अभी आगे ये कहेंगे कि उन्होंने मोटरवे बनाई, उन्होंने एयरपोर्ट बनाए, वो दो दो दफा गिर भी पड़े हुए हैं सारे के सारे। एमक्यूएम है जो वो अपना 60 से 85 से पावर में किसी न किसी सबसे प्यारी वजारतें उनके पास रही है, पोर्ट की और गवर्नर रहा है उनका जो $50 भी लेके मौजे में छुपा लेता था, इतना करप्ट आदमी था वो। इन्होंने उसको रखा हुआ था कि जो इनके कैदी हैं जेल में उनकी सिफारिश करे जेल में जाके। अब 50-50 आदमी भी कराची में नहीं मर रहे, देखो 3 साल में और 70 साल में, और हमारी अदलिया भी कोई सलाम करने के काबिल नहीं है। उन्होंने भी आज तक थ्री क्वार्टर सेंचुरी में आज तक कोई कंप्लीट नहीं लिखा कि किसी मुकदमे का फैसला कंप्लीट किया हो और पूरी तरह लिखा हो, कुछ ना कुछ गैप छोड़ देते हैं और ये बात में फिर लड़ते रहते हैं। वकील तो होते हैं, वकीलों तो अपना कोई ना कोई कानून निकालना होता है, इसी तरह ये अपने कानून की लड़ाई लड़ रहा है। वो किसी से फ्राड फ्रा जब तक उसका कानून ना ज्यादा देता है, जितना भी खींचेगा वो खींचेगा, क्यों ना खींचे वो। किसने इस्तीफे किसने दिए? मियां साहब ने दिए थे। मियां साहब कितने लोगों से मिला करते थे जाके? मियां साहब ने आज तक जिंदगी में 3 उंगलियों के हाथ मिलाया हुआ लोगों से। इसको अभी 3 साल हुए हैं। दूसरों का देखो जरा, सबसे प्यारी वजारतें एमक्यूएम के पास थी, जहां ट्रेनों के ट्रेन ये असले के गैप कर दिया करते थे पोर्ट की वजारत से। ये बैठ के बातें करते हैं अब 70-80 लोग रोज मरते थे कराची में। और कौन मरता था? ठीक है जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, आपका आ गया मैसेज जी। जी जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम, आपकी गैस में बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मंसूर भाई बिल्कुल सही बात कर रहे थे, और मैं अग्री करती हूँ 100% की बात से अग्री करती हूँ, क्योंकि मुल्क की जो एक अजीब सी गैर यकीनी सिचुएशन जो क्रिएट हुई हुई पाकिस्तान के अंदर, तो मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बटकाना और अहमकाना फैसलों की वजह से ये जो हम सब कुछ हम देख रहे हैं, कोई उनको लग रहा है कि कोई 3 घंटे की मूवी है कि सड़कों पर फैसले होंगे, आवाम वहां से निकल कर आ जाएगी। किस किस्म की स्टूपिड बातें हैं ये समझ में नहीं आता है कि अगर ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेने की बात भी इंसान का दिमाग इस तरह काम करता है, तो मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान में तालीम हासिल करनी चाहिए, वही ज्यादा बेहतर है ऐसे लोगों के लिए। क्योंकि मुल्क की आवाम जो है वो सिर्फ तमाशे ही देख रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पोजीशन हो या फिर हुकूमत हो, दोनों मैदानों में उतर के जंगो झगड़े के जरिए फैसलों को कम्प्लीट करवाएंगे या किन लोगों पर दबाव डालेंगे। सिचुएशन इतना ही गैर यकीनी है, और जितने भी हमारे आप देख लीजिए जितने एंकर पाकिस्तान के भी है, वो सिर्फ अंदाजे ही लगा रहे हैं कि भाई सरप्राइज क्या होगा, नेक्स्ट मोड क्या होगा, क्या सरप्राइज होगा अपोजिशन के पास, हुकूमत के पास। जी मैं समझती हूँ की हुकूमत की जो सिचुएशन है भाई, अगर आपके पास
सारे लोग आपके कंप्लीट थे, तो आप जो वोटिंग कराते और दूध का दूध पानी का पानी, पानी का जी जल्दी हो जाता। मैदान जो जाकर के इस किस्म की जो एक मूवी जैसी सिचुएशन को आपने क्रिएट किया हुआ है शामबाद की, मैं सुन रही थी शामबाद की जो पुलिस है या जो वहाँ की इंतजामिया है बेचारी, तो उसका तो सोच के हजर बुरा हुआ है कि कहाँ से सब लोग लश्कर लेके चला रहा है वहाँ पर, क्या करेंगे आकर, कौन सी जंग जदल होगी और क्या होगा, किस तरह से आपस में एक नफरत का माहौल क्रिएट किया जा रहा है और ये किस किस्म की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने सियासी नजरियात होते हैं। तो दो जो सियासी पार्टियां हैं जो काम कर रही हैं, जो जो उनके वर्कर्स हैं या उनके मानने वाले, क्योंकि ऐसा तो कभी जब से दुनिया बनी है अगर से अब तक ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी एक ही तरफ पे सारे लोग चलना शुरू कर दें। ऑब्वियसली इख्तलाफात तो होते ही हैं लोगों के और नजरियात भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन एज ए लीडर मैं तो समझती हूँ कि जो भी एक अजीम लीडर होगा वो एज ए लीडर आवाम में ना फूट पड़वाएगा ना ही सिचुएशन को क्रिएट करेगा कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाए और चौराहों में पहुंचकर एक दूसरे के गले काट दें। तो ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में, मुझे करप्शन इमरान खान साहब से इस किस्म की बातों की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये एक अजीब सी सिचुएशन वही वाली क्रिएट हो रही है जिसमें पीटीवी पे हमला कर दिया गया था और वहां पे स्थिति की गई थी, तो उनका हासिल उसूल क्या हुआ था सिवाय इसके कि सिर्फ आवाम और जो इंतजामिया थी उनके दरमियान एक जंग जंगल का माहौल था, वही हम देखे जा रहे थे। कंटिन्यू हम यही देख रहे थे कि कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई ईंटें फेंक रहा है और खड़ों के बढ़ के मार रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जी बोले जी। जी अमीना, बहुत इंतजार करवाया, मुझे भी 2 मिनट दीजिएगा जी, सबको आपने बहुत टाइम दिया। यहाँ तो ऐसा नक्शा खेलता जा रहा है जैसे पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया, हर चीज तबाह है पाकिस्तान की, कोई चीज बची जी जी जी। इमरान खान ने जितना पाकिस्तान को संभाला है ना, पाकिस्तान की तारीफ में कभी उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की तारीफ में 18 करोड़ किलोमीटर रोड सस्ती बनी है इमरान खान के दौर में, और उससे डबल से ज्यादा सड़कें बनी है। 1000 अरब की करप्शन हुई है इनके दौर में सिर्फ रोड के। आपकी आईटी एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई है, 75% आपकी आईटी एक्सपोर्ट बढ़ी है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट आपकी ऑल टाइम हाई है इस वक्त। टैक्स कलेक्शन ऑल टाइम हाई है आपका इस वक्त, जो कभी नहीं हुआ। 10 डैम बनने जा रहे हैं आपके मुल्क में, जो कभी नहीं उन पर सोचा गया। अपनी जेबें भरने वाले काम किए गए, बिजली के कारखाने लगा दो, वो भी 30-35 साल तक हमारी आने वाली नस्लें भी उतारती रहेंगी उसको, और वो उनका कर्ज नहीं उतार सकेंगे। जो काम किया वो काम किए जिसके अंदर इनकी जेबें भरी हैं। एक वक्त आपके मुल्क में 80% मोबाइल आपके मुल्क में मेड इन पाकिस्तान बन रहे हैं, कभी नहीं सोचा। 35% मोबाइल सस्ते होने जा रहे हैं इसी साल में, और आपके टमाटर भी बन रहे हैं, आलू भी बन रहे हैं, चावल भी बन रहे हैं मेरे भाई। बिरयानी की प्लेट और कीमे वाले नान वाले लोग खामोश रहे, बात सुना करें। जब बड़े पढ़े लिखे लोग बात करें तो पटवारियों को नहीं बीच में बोलना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं ना, तो आप ये प्रश्न आपकी जिसको सुनते हैं लीडर वो है जिसको खातमुन नबीयीन नहीं कह रहा था, और वो इस्लामिक अपना तो ये जो डेटा है ना, वो लोगों की ना असल में मिर्चें लगा देता है। ये तरक्की जब देखते हैं ना तो यकीन करें अंदर फिर भूल जाते हैं कि यार ये कैसे इमरान खान, डॉलर भी इतना महंगा, रोड 1 किलोमीटर 18 करोड़ का गबन हो रहा था। 18 करोड़ रुपए बहुत कुछ है, 1000 करोड़ का जो डेटा है, 10.5 लाख लोग इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। 90% पंजाब के लोगों को हेल्थ कार्ड मिल चुका है। एक साथ जो बीच में बोल रहे हैं पटवारी, मेरा ख्याल इनको भी हेल्थ कार्ड से इलाज करवा लेना चाहिए, क्योंकि मिर्चें बहुत लगती हैं ऐसे लोगों को। जब ये डेटा सामने आता है ना, वो तो मियां एक बीमार शरीर जिसको खांसी भी होती थी वहां चला जाता था, कोई काम देने का काम ना किया उस शख्स ने, वो तो मतलब क्या सोचता है लोगों की हेल्थ के लिए, उसके तो अपनी हेल्थ की दिक्कत थी, उसको अपनी औलादों की दिक्कत थी। लाहौर में 1000 बेड हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ है, कल ही उस्मान बुज़दार ने किया। ये दो चीजें हैं, उस्मान बुज़दार तो जा रहा है वहां से। एक सेकंड, इमरान खान की परफॉर्मेंस नजर आती है तो सोचते
जी अगले 5 साल और मिल गए तो ये तो पता नहीं काया ही बदल देगा इनको। चलें ठीक है, ये बहुत आवाम है, अब काया बदलते हुए देखें अगर 5 साल और मिल जाते हैं तो चलें हर तरफ से तो ये बह जाएंगे उसमें। चलें ठीक है, चलें सही है जी, बहुत शुक्रिया जी। एक सेकंड आप चुप रहे जावरी साहब जी। जी जी हेलो, हाँ हेलो जी जी जी। मैं आपकी दूसरा सवाल है कि क्या एमकेएम फिर से इमरान खान के साथ देगी? हाँ, तो इमरान एमकेएम ने तो पहले भी इमरान खान का सॉरी अपने साथ नहीं दिया, उनकी सीटें लेकर के इमरान खान, मगर अभी तो मुलाकातें कर रहे ना वजी अजम इमरान खान एमकेएम के लिए बने जी। सुन ले उसके बाद मैं मुलाकातों पर भी आता हूँ जी। एक सेकंड जी 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 एमक्यूआई के एमकेएम की सीटें लेकर के पीटीआई। एक सेकंड जी अब बोले दोनों साथी हैं जी जी बोले। एक सेकंड इनका सुन ले, एक मिनट जी बोले जी जी। एमक्यूएम को दीवार पे लगा दिया सुनते हुए हमें जो है कई महीने गुजर गए। अब एक सफे को उलट भी दें, अब आते हैं मुजरूम की तरफ। बात यह है कि पार्लियामानी सियासत जो होती है उसमें पावर शो नहीं होता, पावर शो का वक्त होता है इलेक्शन का वक्त होता है। इस वक्त जो है अतमाद की तारीख का सामने आपको पावर शो के बजाय 172 बंदे लेके असेंबली में मुख्य की बात है। दूसरी बात यह है कि कहा जाता है जी कि इनको इनके खिलाफ बोलते हैं। सियासी निजाम में आपको हर रोज नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ये नहीं होता कि आपके खिलाफ कोई ना बोले। अगर जिसके खिलाफ नहीं बोला जाता, जहाँ पे नहीं बोला जाता वो सिर्फ कब्रिस्तान होता है। ये चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि सुनिया हो जान गलियां विच मिर्जा यार फिरे। सियासी हुकूमतों में ऐसे नहीं होता, आपको हर रोजाना जो है अपने हर एक्शन का जवाब देना होता है। उसके बाद यह है कि ये इस मामले में इसलिए भी खुशकिस्मत रहे कि इनको पूरा दौर या एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट इन साहब की जो है सहूलत जो है मुयसर रही है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान जो है ईमानदार की मौजूदगी में भी अगर बाहर से जो है डॉलरों के भरे हुए जहाज आ रहे हैं तो फिर इमरान खान को अपनी नाकामी पर खुदकुशी कर लेनी चाहिए या चिल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि एक दयानतदार हुक्मरान होते हुए जो है वो मुल्क में जो है वो बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग होके आ रही है। दूसरी बात यह है कि ये हर रोज आके मजहब की बातें करते हैं। अगर वो इतना मजहबी आदमी है तो इसको जो है जामिया बनौरिया कराची का मौतमय में आला लगा दें। दूसरी बात यह है कि इनका मुसोलिनी का तरीका है कि कौम को तंग करें और इतना तंग करें कि वो खामों पे आ जाए और जब मरने के करीब आए तो उसके एक सेकंड जी 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 खत्म कर दो। मरते वक्त उसके होंठों पर जो है हल्का सा मक्खन लगा के ये साबित करें कि ये हुकूमत जो है वो बड़ी खरफा है उसमें अवाम की। आपने जो है $70 पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके अगर डॉलर कम कर रही है तो बहुत आपने तलवार चला दिया। चलें जी बहुत शुक्रिया जी जनाब जी बोले जी। हेलो जी,